एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में डेटा टैब में डेटा टूल्स ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले फ्लैश फिल एंड रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन के बारे में कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये सब को जानने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। तो उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ डेटा पहले से टाइप करके रखा है, जैसे ये हमारे पास जो डेज का नेम है, उसके बाद यहाँ पर मंथ्स नेम है, उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा नंबरिकल में टाइप किए हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसे मंथ डे का नेम है, इसमें अगर हमको बोला जाए कि क्या करना है, इसमें फर्स्ट डिजिट का ही जो है 3 लेटर हमें शो कराना, बाकी शो नहीं कराना। आप कहीं भी जॉब करते हैं या कुछ करते हैं, आपको बोला जाए कि संडे मंडे पूरा नहीं लिखना हो कुछ डेटा, ऐसे होते हैं हमने टाइप कर लिया। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाना है SUN MON, यानी जो है डे का सबसे जो फर्स्ट 3 लेटर है या 1 लेटर है वही दिखाना, उससे ज़्यादा हमें नहीं दिखाना। तो क्या करेंगे ऐसे में, हम जो है यहाँ पर फ्लैश फिल की मदद से उस डेटा को फिल कर सकते हैं कैसे है? तो उसके लिए देखिए सबसे फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, संडे का SUN, ये हमने टाइप कर दिया। अब शॉर्टकट किए एक दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप डेटा में जाएंगे, ठीक है, उसके ये डेटा टूल ब्लॉक्स है, यहाँ पर फ्लैश फिल में जाएंगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका है ऐसे भी जो हमने यहाँ पर किया, इसमें क्लिक कर देना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो भी इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट का जो 3 डिजिट ही आया, उसी तरह से अगर हमें क्या करना हो लास्ट 3 डिजिट ही लाना हो या 4 डिजिट लाना हो तो भी आप ला सकते हैं कैसे। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है हर हमेशा कि अगर लास्ट का 4 डिजिट सेम रहेगा पहला का, दूसरा का, तीसरा का, तो ऐसे में वो जो हमारा फ्लैश फिल है वो इरर आ जाएगा, यानी कम से कम जो है 1 लेटर का डिफरेंस होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं NDAY, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं NDAY, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे वाला का भी क्या, लास्ट का 4 डिजिट NDAY है, चलिए डिफरेंट कहाँ से, ये देखिए जो तीसरा वाला है ट्यूजडे, चलिए SDAY, मतलब यहाँ से डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारा जो है फ्लैश फिल काम करेगा। ऐसे में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है फ्लैश फिल पे जाएंगे तो देखिए इस तरह से जो है लास्ट का 4 डिजिट ही ले लेगा, देख सकते हैं इस तरह से। चलिए इस तरह से हमने जो है डे पे कर लिया, उसी तरह से मंथ पे करना हो तो हमें लेना है किसका फर्स्ट 3 डिजिट ही लेना हो, तो कैसे लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे JAN, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, क्लिक करने कर देंगे यहीं पर, हमें चले जाना डेटा टैब में, उसके बाद डेटा में जाना, उसके बाद ये डेटा टूल्स हैं इसमें जाने के बाद कर देंगे यहाँ से फ्लैश फिल। देखिए इस तरह से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जो भी करना हो दोनों में से आप मेथड से कोई भी एक मेथड को आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ गया, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ आधार का नंबर है, अगर आधार नंबर में आपको बोला जाए कि आधार नंबर का सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट ही शो कराना हो, हमें जो सारा पूरा का पूरा आधार नंबर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पर अगर फर्स्ट 4 डिजिट चाहिए, मिडिल 4 डिजिट चाहिए या लास्ट का 4 डिजिट चाहिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए लास्ट का 4 डिजिट चाहिए हमको, तो यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट क्या है 6366, ये हमने टाइप कर लिया यहाँ पर जो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है फ्लैश फिल पे चले जाना है, देखिए इस तरह से जो वो फिल हो जाएगा। उसी तरह से अगर फर्स्ट का 4 लेटर बोला जाए या मिडिल में बोला जाए तो मिडिल का भी ले सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल मेडिल का चाहिए हमें, मेडिल का कितना है देखिए 6856, 6856 ये है, तो हमें क्या करना है सेलेक्ट कर देंगे या पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इसी को सेलेक्ट करने का क्या करना है फ्लैश फिल पे जाएंगे, देखिए आप देख सकते हैं 6856 है, उसके बाद क्या 9687 देखिए, उसके बाद क्या है 5685 देखिए आ गया, उसके बाद क्या 9687, उसके बाद क्या 8796 देख सकते हैं मेडल का आया। उसी तरह से अगर फर्स्ट का लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट का 4 डिजिट टाइप करेंगे 74, उसके बाद क्या है 75 ये ले लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे फ्लैश फिल पे जाएंगे, कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे तो भी देखिए ले लेगा। इस तरह से आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट द्वारा भी कर सकते हैं या फिर ऐसे आप जो है वहाँ डेटा में जाने का फ्लैश फिल का भी हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे ये हमने ले लिया, उसी तरह से अगर कुछ हमारे पास रिजल्ट है, कुछ स्टूडेंट का डेटा है उसमें करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीट 7 पे चले जाते हैं, ये हमारे पास देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट ABCD इसने फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है, और यहाँ पर सबका एड्रेस अलग अलग दे दिया, और यहाँ पर सबका डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग दे दिया, और सबका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अलग अलग है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें क्या करना चाहते हैं हम, अगर हमको बोला जाए कि जितने भी स्टूडेंट है सबका सिर्फ जो डेट ऑफ बर्थ में हमें जो डे और जो मंथ है वो नहीं दिखाना, सिर्फ ईयर दिखाना हो तो क्या करेंगे। तो ऐसे में हम जो हेल्प लेंगे फ्लैश फिल का, ऐसे में फ्लैश फिल से क्या कर लेंगे सिर्फ डेट को जो है ये ईयर को जो है वो हम फ्लैश फिल द्वारा फिल कर लेंगे। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर एक जो ब्लैंक कॉलम हम इंसर्ट कर लेते हैं कैसे, तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर है यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक कर दें, राइट बटन क्लिक कर देंगे, इंसर्ट पर चले जाना है,
उसके क्या कर देंगे, इंटायर कॉलम पे चले जाना। देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। चलिए हमें क्या लेना है यहाँ पर, सिर्फ ईयर ही लेना है, तो ईयर टाइप कर देते हैं। चलिए ईयर सबसे पहला क्या है, 2000 है, ये हमने टाइप कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से जो ईयर है वो आ गया, या फिर इस तरह से हम कंट्रोल ई करके किया, या फिर आप क्या इसमें क्लिक करने के बाद चले जाना डेटा पे, ये फ्रेश फील है, यहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। दोनों में से जो भी मेथड से आपको करना है। अगर उसी तरह से हमने जो क्या ले लिया, ये ले लिया, आपको बोला जाए सिर्फ मंथ को दिखाना हो कि मंथ कौन सा है, तो हमने जो यहाँ पर मंथ टाइप करना हो, तो देखना है मंथ कौन सा है, 03 सबसे पहले का है, तो देखिए 03 हम टाइप कर लेंगे। उसके बाद क्या करें, कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे। देखिए इसमें क्लिक करना है, कंट्रोल ई, देखिए इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं 03 है, 06 है, 05, 07, 10, 11, 12, देखिए इस तरह से। अगर मंथ के आगे आपको बोला जाए सिर्फ किसका लेना हो, डेट का लेना हो, तो हम क्या पर सॉरी डे का लेना हो, तो क्या करेंगे, अब डेट टाइप कर देते हैं। चलिए डे का लेना, सबसे पहला डे क्या है, 02 है, वो हमने जो है टाइप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है। देखिए इस तरह से जो है वो आ जाएगा, कंट्रोल ई से। चलिए सबको अगर डिलीट करना हो तो कर भी सकते हैं, या रखना है तो रख। तो यही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ्लैश फील का यूज। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट क्या होता है, जैसे देखिए इस डेटा में से कोई भी अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट डेटा क्या होता है, सेम ही नाम से कुछ डेटा टाइप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट डेटा। जैसे यहाँ पर जो है पटना दिए, या फिर देखिए यहाँ पर जो है क्या है, ई है, यहाँ पर भी ई है, देखिए दो स्टूडेंट का नाम ई है। अब ये हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेट डेटा हो गया, इसको हटाना हो तो क्या करेंगे, ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद हमें कहाँ चले जाना है, रिमूव डुप्लीकेट में जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देखिए सारे कॉलम्स का नेम आ जाएगा, इसमें क्या करना है, चलिए ये जो सबको है ना डिसलेक्ट कर लेते हैं। आपको किससे हटाना है, नेम से, एड्रेस से, चलिए हम नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कर देंगे यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए आ गया, ओके कर देंगे। अगर यहाँ पर देखिए 1 डुप्लीकेट डेटा जो है फाउंड हुआ, ओके कर देंगे। देखिए ई नाम से 2 था, उसको जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से हटा दिया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, चलिए इसको भी हम, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पटना बिहार है, यहाँ पर पटना है, तो चलिए यहाँ पर भी हम जो है बिहार दे दें, तो ये हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेट डेटा हो गया। ठीक है, हम इसको हटाना चाहते हैं तो देखिए सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ चले जाना है, रिमूव डुप्लीकेट में जाना है। आप फिर यहाँ से अनसेलेक्ट कर देंगे किसको लेना चाहते हैं। चलिए हम लेना चाहते हैं एड्रेस में, कि सेम एड्रेस से कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए, एड्रेस को ले लेंगे, ओके कर देंगे, जाएंगे। देखिए इस तरह से बिहार हट जाएगा, देख रहे हैं। उसी तरह से आप जो डुप्लीकेट डेटा को हटा सकते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का आपको डेटा हो आपके पास तो आप हटा सकते हैं। जैसे सेम मोबाइल नंबर ही सेम है, या किसका डेट ऑफ बर्थ सेम, हम उसको नहीं रखना है, तो सब डेटा को जो है इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, डुप्लीकेट डेटा को। कोई भी डेटा आपका रिपीट हो जाए तो वो आप जो बहुत ईजिली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।